नमस्कार दोस्तों, सुल्तान के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम एक नहीं, हम तीन सुल्तानों की बात करेंगे। कारण यह है कि इन तीन सुल्तानों का दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व में इतना योगदान नहीं रहा, परंतु दिल्ली सल्तनत की दशा और दिशा को निर्धारित करने में इन सुल्तानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संदर्भ में जिस पहले सुल्तान की आज हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है बहरम शाह। बहरम शाह रजिया सुल्तान के बाद जो अगला सुल्तान बनता है, उसका नाम था बहरम शाह। वस्तुतः जब तुर्कान चहलगानी ने रजिया को पदच्युत किया अपने पद से, तब जो नया सुल्तान बनाया उन्होंने, उसका नाम बहरम शाह था। बहरम शाह को सुल्तान बनाने के साथ ही जो एक नवीन चीज तुर्कान चहलगानी ने सल्तनत में जोड़ी, वह नायब ए मामलिकात का पद था। नायब ए मामलिकात का पद वस्तुतः सुल्तान के समकक्ष स्थापित किया गया पद था, जिससे सुल्तान के पद को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। वस्तुतः मलिक एदगीन, जिसने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसे ही नायब ए मामलिकात का पद दिया गया। इस प्रकार बहरम शाह के समय शक्ति का केंद्र तीन लोगों के मध्य बट गया, सुल्तान, नायब और वजीर। बहरम शाह स्वयं सुल्तान के रूप में कार्य करना चाहता था, इसीलिए कुछ समय पश्चात उसने मलिक एदगीन की हत्या करवा दी, परंतु वह अपनी मंशा में सफल नहीं हो सका। कारण यह था कि एदगीन के पास संपूर्ण शक्ति जो है उसके वजीर मुहाजबुद्दीन के पास पहुंच गई। बहरम शाह के समय एक अन्य जो महत्वपूर्ण घटना घटी, वह मंगोलों का आक्रमण था। जी हां, मंगोलों का आक्रमण, जिसका आरंभ इल्तुतमिश के समय हो सकता था, परंतु हो नहीं पाया, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति से मंगोलों के आक्रमण को ठंडा कर दिया था। 1241 में पहली बार भारत पर मंगोलों ने आक्रमण किया। बहरम शाह इस आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली से बाहर निकला, परंतु उसके वजीर ने उसके प्रति षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या करवा दी। तुर्कान चहलगानी ने जिस अन्य सुल्तान को बहरम शाह की जगह स्थापित किया, उसका नाम अलाउद्दीन मसूद शाह था। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय शक्ति का केंद्र अब उसके नायब कुतुबुद्दीन हसन के पास पहुंच गया। इसके पश्चात जो एक अन्य महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन मसूद शाह के समय घटी, वह किसलू शाह का विद्रोह था। किसलू शाह ने सल्तनत या सुल्तान को खुली चुनौती दी, परंतु अन्य तुर्कों ने बहुत ही होशियारी से किसलू के विद्रोह को समाप्त कर दिया। उसे नागौर की इकता और हाथी प्रदान करके संतुष्ट कर दिया गया और सल्तनत पर मंडराए हुए बादलों को शांत किया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ही बलबन का भी उत्थान आरंभ हुआ। इसी के काल में बलबन ने अमीर हाजिब पदवी धारण की। बलबन धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। इसके पश्चात जो अन्य सुल्तान आता है, उसका नाम नासिरुद्दीन महमूद है। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था, परंतु तुर्कानी चहलगानी के भय से वह दिल्ली छोड़कर दिल्ली के पास स्थित लोनी नगर चला गया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के पश्चात तुर्कों ने, या कहिए तुर्कानी चहलगानी ने, नासिरुद्दीन महमूद को अगला शासक या सुल्तान बनाया। तुर्कानी चहलगानी के कुछ सदस्यों का इतना भय था कि नासिरुद्दीन छद्म वेश में दिल्ली में प्रवेश करता है, क्योंकि इसे डर था कि अगर वो सामने आके दिल्ली में प्रवेश करेगा तो संभवतः उसकी भी हत्या उसके पूर्व सुल्तानों की तरह हो सकती है।
नासिरुद्दीन बस नाम मात्र का सुल्तान था। संपूर्ण शक्ति तुर्कान चहलगानी के पास स्थित थी। इसामी के शब्दों में कहें तो नासिरुद्दीन महमूद का समर्पण पूर्ण था। वह तुर्कान के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता था, चाहे सोना हो, जागना हो, उठना हो, बैठना हो, खाना हो या पीना हो। नासिरुद्दीन महमूद की शक्ति को पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बलबन, जो तुर्कान का एक सदस्य था, उसने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां और नायब का पद प्रदान किया था। बलबन की बढ़ती शक्ति से दरबार के अन्य दल ईर्ष्या करने लगे। इसी दल में जो सबसे महत्वपूर्ण दल था वह हिंदुस्तानी दल था। हिंदुस्तानी दल से संदर्भ है जिन लोगों ने बाद में इस्लाम को स्वीकार किया था। इसी दल का एक सदस्य इमादुद्दीन रेहान ने बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र करना आरंभ किया और बलबन को उसके पद और दिल्ली से बाहर करवा दिया। बलबन को अब नागौर की एकता प्रदान की गई, परंतु दिल्ली से यह विक्षोभ बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। बलबन एक सेना तैयार की और दिल्ली की तरफ बढ़ता है और मार्ग में ही उसने इमादुद्दीन रेहान की सेना को पराजित किया और इस प्रकार अब दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र प्रमुख तुर्की या कहिए तुर्कान सदस्य रह गया था। 1255 ईस्वी में इस बलबन ने एक बार पुनः दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और अगले और कुछ समय पश्चात उसने दिल्ली के नए सुल्तान के रूप में पद प्राप्त किया। नासिरुद्दीन महमूद का काल वस्तुतः शांति का समय था। उसी के काल में मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी को लिखा था। अपनी इस पुस्तक तबकात ए नासरी में उसने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श शासक चुना है। उसके अनुसार नासिरुद्दीन महमूद में वो समस्त आदर्श मौजूद थे जो दिल्ली के शासक के पास होने चाहिए। वह ईमानदार था, वह एक कट्टर मुसलमान था, प्रजापालक था और शांति प्रिय था, परंतु ये गुण बलबन के समक्ष टिक नहीं पाए और बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को हटाकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। समकालीन इतिहासकारों की माने तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को विष दे दिया था। हालांकि इस बात की चर्चा की पुष्टि अन्य इतिहासकार नहीं करते हैं। इस प्रकार जो 1240 से लेकर 1260 के आसपास का काल एक अस्थायित्व का काल था दिल्ली सल्तनत के लिए। बलबन इसके पश्चात जब बलबन शासक बनता है तो उसने दिल्ली को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास आरंभ किया। बलबन की चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।